हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? वी आर फाइनली बैक विद द अनदर व्लॉग। तो यार, तुम लोग देख सकते हो मेरी हालत जो है वो बड़ी ख़राब है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बस नहाने लगा हूँ, खाद को तो नहीं करवाना, सिर्फ नहाना है, ठीक है। और ये मूछों को थोड़ी तो शाऊ देते हैं। दोस्त यार बिल्ली आ रहे हैं, कोई बाहर का प्लान है, चलते हैं और फिर इंजॉय कराते हैं आज आपको अपने साथ। तीनों यार बिल्ली आ रहे हैं, सरप्राइज़ है, एक और लड़का आ रहा है, तुम लोगों को बताता हूँ वो कौन है। तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा भाई जो है वो तैयार हो गया फटाफट। ड्रायर नहीं लगाया क्योंकि बाल जो है पहले बहुत हल्के हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि भाई जान कि मैं गंजा हो जाऊँ, ठीक है। तो अब उनका वेट कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो आ जाए। मैं तो कसम से थक गया हूँ यार, बैठ बैठ के भी थक गया हूँ, नहा नहा के भी थक गया हूँ। मजा आया। अच्छा यार, तुम लोग देख सकते हो किरानी साहब आ गया आज, इसने बड़ा वेट करवाया यार। इस बंदे ने घंटा जो है ना मैं बैठा रहा हूँ, कोई नहीं किरानी, जब मैं किसी दिन वेट कराऊंगा ना तब आपको पता चलेगा वेट क्या होता है। और भूख से जो है ना पेट में चूहे भाग रहे हैं। दो बंदे अभी मिसिंग है, हम चार बंदों का प्लान बना था और आज जो प्लान बना वो किरानी बताएगा कि क्या खाना था हमने, बताओ जरा। क्या बताऊँ, तुम ही बता दो यार, मैं बता दूँ। हाँ, मुझे तो नाम ही नहीं पता, मुश्किल नाम। यार मुझे खड्डा बकरा नहीं होता, सालम बकरा, आज हमने सोचा था हम वो खाएंगे, पूरा बकरा करवाएंगे। कोई हमने सुना था 12-15 हज़ार रुपये का मिल जाता है अच्छे वाला चावल, वो जिस तरह वो अरेबिक नहीं खाते, इस तरह खाने को दिल था। खैर अभी जो टाइम है वो आप देख सकते हैं, 8:40 हो गए हैं, तो अभी हम जल्दी से उनको लेंगे जाएंगे, क्योंकि 2-2.5 घंटे वो लेते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो हमारे एक दो जगह और प्लान्स बने हुए हैं, तो फिर हम उधर चले जाएंगे, वो खा लेंगे सुकून से। शफीक के घर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो रही है शादी, ये पूरा टोला खड़ा हुआ है और किलानी इनको एंजॉय कर रहे हैं देख के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्न। खैर ये है शफीक का घर और इसको कॉल करो और इसको बुलाओ भाई। बुलाया, फोन किया, वो आ रहा है। आ रहा है, चलो। ओ हो, ये आ गया घर। आइए शफीक साहब, दिख रहे हैं ठीक ठाक, और सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बड़ा ग्रेट बंदा है भाई, दादा ग्रेजुएट हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो। हम भी ग्रेजुएट हो गया भाई, MBA कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग दोबारा से खान शनवारी भी आ गए हैं और किलानी शफीक साहब, चलो जल्दी से पहुंचते, इनसे पूछो कि अगर इनके पास हमें वो मिल जाएगा तो ठीक है। गाड़ी पहले की है और डरा हुआ है, माल ही बड़ा है माशाल्लाह, माल ही बड़ा है। चल अंदर चल के इनसे पूछे यार। ये चाहिए प्लेट देखो, यहाँ का सेटअप देख सकते हो कि एक वक्त था जिधर यहाँ पे एक बंदा नहीं होता था, 2 दिन बंद था, और अब देख लो रश देखो, ठीक है। बनाने का लाइन लाइन से ये देखें, एंड तक लाइन लगी हुई है और हमारा जो नंबर है ना वो 105 है, ठीक है। और ये लकड़ी है, साथ लकड़ी के अंदर बनाते हैं, लकड़ी का जो है वो वैसे ही बड़ा टेस्ट होता है। तो ये हमारी जो है वो राने तैयार होने जा रही है, रोस्ट होने चलें जी। मटन की है दोनों राने, और सेम थोड़ा लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम आपका लगेगा, ठीक है, टाइम अपना लगाओ, तसल्ली से बना के दो, टाइम का मसला नहीं है। अंकल जी जरा अच्छे वाली बनानी, अच्छे वाली इंशाल्लाह, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर ये सिरका मैंने डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा मजे की चीज इनकी ये है कि स्पून से टेक लगाओ और प्लानिंग की तरह ऐसे बैठो लेटो स्पून से। अभी यार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो गरीब है, तो ये गरीब आवाम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये गरीब आवाम है, पूरा जो होल है वो फुल हुआ पड़ा है और 2600 रुपए से कढ़ाई शुरू हो रही है, 3200, और हमारी ये आवाम गरीब है। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये हमारा जो है वो एक और पेशिंदा आ गया है। ओए शरियार,
इधर आ, ये हमारा पेशिंदा एक और आ गया, ये देखिए जी, आइए आइए सर, हम आपका बहुत इंतजार कर रहे थे। जो है मैं उनसे पूछ के आया हूँ, अभी हमारा जो रानी जो है वो लगी हुई है किसके अंदर पता है, कुकर के अंदर, तो उसके बाद जो है वो कह रहे हैं अभी भी इसके बाद डेढ़ घंटा और लगेगा, तो भूख जो है वो तो बहुत लगी हुई थी तुम लोगों को पता है, तो इस वजह से हम लोगों ने ना मटन कबाब करवा लिए, तब तक उसे थोड़ा आसरा हो जाएगा ना यार। हमारे मटन कबाब और उसके साथ ये दो मिर्चे देते हैं, ये आधा आधा हम दोनों खाएंगे, आधा आधा वो खा लेते हैं। ओके असल चटनी इसके साथ लगाते हैं, आप लोग हमारा जो है ये देख सकते हो मटन, आए हाय 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 मजा आ जाएगा, इसको स्टीम जो है वो लगती है और अब जो है ये जा रहा है इधर, 10 से 15 मिनट और लगने हैं बस, डेढ़ घंटा दो ढाई घंटे सॉरी वेट करने के बाद हमारी जो है रानी से है वो आ गई है। भाट साहब का बड़ा शुक्रिया, इन्होंने बड़ी जल्दी किया काम। खैर ये आप चेक करें इनकी प्रेजेंटेशन, चेक करें जबरदस्त जबरदस्त, ये खीरे हैं, ओ हो हो, ये काबली पुलाव है, अंदर रान ये रान, ओ हो हो, मज़ा आने वाला खिलानी। अब हम अल्लाह का नाम लेके शुरू करेंगे, आप इनकी ये बॉडी चेक करें, लजीज किस्म की टूटी लजीज, ओए होए 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 होए, थोड़ा से नींबू ना चोड़ते हैं लेने आने, थोड़ा सा बकरा लेते हैं यहाँ से, कितना नरम है आप ये देख सकते हैं, ये कितना नरम है चेक करें, हैवी माशाल्लाह, बहुत मजे का बनाते हैं, बहुत मजे, सौगी अच्छी लगती है, किशमिश ये सही है, डबल दर्जे बोकड़ी चमची पकले हैं, उसको ऐसे खाते हैं देख भी निकल रही है अंदर, ऐसे ही खाते हैं इसको यार, बीच में खाने का बरकत है, बीच में खाने से ना कट्ठे बरकत बढ़ जाती है, मज़ा आया, हाई किस्म का नरम किस्म का मटन है, ये देखे कितने प्यार से कितने राम से जो है वो टूट रहा है, प्लानी मज़ा आ रहा है, प्लानी मज़ा आ रहा है, 10 out of 10 10 out of 10 हो गया बाबा जी, मज़ा है क्या है कि नहीं है, कसम से इन्होंने चस करवा दिया, ऊपर से शहरी यार की, ऊपर से शहरी यार खिला रहा है तो और मज़ा आ रहा है खाने का, पता नहीं क्यों बहुत मज़ा, हाँ जी गाइस पूरा बकरा जो है ना हमने तुंदी है, ठीक हो गया, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया आज तो यकीन करें, सबसे पहले किलानी से शुरू करते हैं, हाँ किलानी तीन घंटे हमने जो इंतजार किया उसका तुझे क्या टेस्ट आया ये बता दो मुझे बस जल्दी से, भूख लगी हुई थी, भूख की वजह से टेस्ट तो नहीं लेकिन ये है कि खाया गया, खाया गया मतलब टेस्ट भी अच्छा था, सारा अच्छा। भी बहुत जबरदस्त था, जबरदस्त था। अब आगे बारी जी शफीक साहब की, यार काबली पुलाव ने जो मजा कराया ना, अच्छा चस आ गई मतलब कि सुभान अल्लाह, हां जी शरियार साहब, टाइम बहुत लग गया लेकिन सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है, वो जो हां वो जो खाना बेहतरीन था, बेहतरीन था, हां नो डाउट आप लोग वेट करके खाओ, तसल्ली से खाओ, सुकून से खाओ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बहुत मजे की थी, चस आ गई यार। और अब हम जा रहे हैं किलाने की तरफ, रात के बज रहे हैं इस टाइम 12 लेकिन 12:30 ठीक है, तो चाय जो है ना वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसम भी बड़ा प्यारा माशाल्लाह प्यारी हवा चल रही है, तो अब हम चाय पियेंगे उसके बाद हम जाएंगे अपने अपने घर। अभी तुम लोग देख सकते हो हम लोग सुकून से कंबल शंबल लेके जो है वो तीनों लेट गए हैं, ठीक है अब जब चाय बन के आएगी तो चाय पियेंगे, चाय शाय हमारी आ चुकी है, ha 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 ha
हम लोग आ गए अम्बाला पे गर्मा गर्म इनके गुलाब जामुन खाने, ये आप देख सकते हैं ठीक है। और किसी का भी भाईजान रात को खाने को दिल करे गुलाब जामुन तो वो अम्बाला पे आ सकता है, सिर्फ 140 रुपए में 5 गुलाब जामुन गर्मा गर्म। करानी के वैसे ही बड़े फेवरेट है गुलाब जामुन। गाइस आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, चारों ने बड़ा मजा किया है, खाना शाना चाय शाय और इसके अलावा ये जो भी हमने खाए गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो इंशाल्लाह यार ऐसे ही मिलते रहेंगे ठीक हो गया। हाँ और बहुत मजा आया शफीक के साथ भी, शहरी के साथ भी, खिलानी के साथ भी। खैर हम जा रहे हैं शफीक, ये हमने हाँ जी इसका नाम माशाल्लाह अली है लेकिन हम इसका शफीक कहते हैं प्यार से, शफीक ही चढ़ गया मिस्टर शफीक। तो फिर यार तुम लोग रखो अपना ख्याल, जिन लोगों ने अभी तक चांद भट्ट ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब। देखो अपने मेरे प्यारे दोस्त ने भी कह दिया, तो फिर ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।